पीएम आवास योजना में हुई है भारी गड़बड़ी। बिना अप्रूव किए ही लोगों को मकान बांटे गए हैं। 37 जिलों में ये भारी गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप जीओवी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के आवंटन में ये बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा नगरीय निकाय में भी अपात्रों को आवास आवंटित करने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद इनकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर से बुलाई गई है। इसी तरह खरगोन जिले के महेश्वर और सतना जिले के राजनगर में भी आवास आवंटित करने में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपात्रों और बड़े किसानों को भी आवास आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश के 37 जिलों के निकायों ने कलेक्टरों से सूची बिना अप्रूव कराए ही आवास आवंटित कर दिए हैं। इनमें से कई सूचियों में तो सीएमओ के हस्ताक्षर तक नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने समीक्षा बैठक के दौरान इन शिकायतों को एक हफ्ते के अंदर नए सिरे से हितग्राहियों के सत्यापन और कलेक्टरों से सूची अप्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची के सत्यापन के बाद ही हितग्राहियों को प्रथम और दूसरी किस्त दी जाएगी। कई कलेक्टरों ने शासन को बताया कि निकाय के अधिकारियों ने बिना हस्ताक्षर के सूची भेजी थी, जिसके चलते उन सूचियों को अप्रूव नहीं किया गया है। अब निकायों से कहा गया है कि नए सिरे से हितग्राहियों के सत्यापन के बाद सूची तैयार करें। अधिकतर नगरीय निकायों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची कलेक्टरों से अप्रूव नहीं कराई है। इन निकायों को एक हफ्ते में सूची का सत्यापन करने के बाद उसे कलेक्टरों से अप्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आधार नंबर से लिंक करने और आवास को जियो टैग से जोड़ने के लिए भी कहा गया। जियो टैग में आवास की हर हफ्ते की प्रगति रिपोर्ट की फोटो अपलोड की जाएगी। हितग्राहियों के आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ही निकायों दूसरी किस्तों में राशि आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार ऑनलाइन जियो टैग रिपोर्ट देखने के बाद ही राज्य सरकार को बजट आवंटित करता है। धार नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। यहां सूची में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का काम भी धीमी प्रगति से चल रहा है। यहां पर जबलपुर नगर निगम कमिश्नर को भी ये चेतावनी दी गई है, क्योंकि उन्होंने 4500 आवासों का जियो टैग नहीं कराया था, जिससे इन आवासों की किस्त रोक दी गई है। इसके अलावा कार्य में भी उदासीनता देखने को मिली है। और ये है, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि ये प्रमुख सचिव संजय दुबे की आवास योजना की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे थे। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बुरहानपुर, पीथमपुर, पचोर, हाट पिपल्या के सीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची कलेक्टर के पास अप्रूव करने के लिए नहीं भेजी थी। इनके यहां आवास आवंटन में भी लगातार शिकायतें आ रही थी। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में और अधिक जब डिटेल मिलेगी तो हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।